अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम आपको आलू और बैंगन के पकौड़ों की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। ये एक अदद आप देख सकते हैं, ये बैंगन बड़ा है, एक अदद बैंगन है, दो अदद आलू हैं जो हमने शेप में कटिंग कर ली है, और एक पाव ये बेसन है, और हाफ रेड मिर्च जो है हाफ चम्मच है, चाय वाला नमक एक चम्मच है, पिसा हुआ धनिया हाफ चम्मच चाय वाला, अजवाइन चाय वाला चम्मच का चौथाई हिस्सा, और भुना हुआ जीरा हाफ चम्मच, और साबुत जीरा हाफ चम्मच चाय वाला। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको मिक्सिंग, इसके कोटिंग। इतनी चीज़ें इस तरह हम इसमें डाल रहे हैं, बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। और आजकल रमज़ान है तो रमज़ान में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, और इसलिए हम ऐसी चीज़ें आपको बता रहे हैं कि ये आप लोग इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने से जब हम इसमें पानी डालेंगे तो फिर ये बहुत अच्छी तरह सही जो चीज़ें हैं सारी इसमें मिक्सिंग हो जाती है। ये देख रहे हैं आप, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हैं कि सब चीज़ें हो जाएं, और फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो ऐड करना है वो आपने करना है इसको, ना तो ज़्यादा इसको हमने थिक रखना है और ना ज़्यादा इसको पतला करना है, कि हमने इसकी कोटिंग करनी है, और कोटिंग में इसको थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे कि अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाए। जी ये देख लें, ये मैंने इतना इसको किया है कि ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, देख लें, इससे ज़्यादा थिक भी ना हो और इससे ज़्यादा पतला भी ना हो। तो ये आपने थोड़ा सा अंदाजे से करना है कि ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करते जाना है आपने, एकदम से पानी ज़्यादा नहीं डालना आपने। हमने इसको अच्छी तरह फेंटा इसको ना, इसके को अंदर गुठली रह ना जाए, गुठली रहनी नहीं चाहिए इसके अंदर ना। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने घी जो है ये हमने पहले से रख दिया गर्म करने के लिए, ये गर्म हो चुका हुआ है, तब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़े के और बहुत अच्छे ये बनते हैं, आप जरूर उसको ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में तो ये हर घर की डिश है, रमज़ान मुबारक की हर घर की डिश है, तो इसलिए हम इसको बना रहे हैं कि आप लोग इसको ट्राई करें और देखें। इसी तरह अब मैं ये सारे डालूँगी। देखें ये माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये तकरीबन मैंने इसकी साइड चेंज की है, तो ये तकरीबन तैयार होने वाले हैं, इनका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो मैंने बस ये बड़े आलू और बड़े बैंगन काटे थे, अगर आप लोग छोटे भी करना चाहें तो काट सकते हैं। ये अब देखें ये हो गए, अब हम इसको निकालने लगे हैं, तो फिर अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं।